सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद आदित्य ठाकरे ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बागियों के खिलाफ उनके तीखे तेवर देखे गए, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बागी नहीं भगोड़े हैं, इनको मुंबई तो आना ही होगा और आंखों में आंखें डालकर बात करनी होगी। सत्ता का क्या होगा, सरकार बचेगी, सब लोग यही जानना चाहते हैं। हम जीतेंगे, लेकिन ये लोकशाही के जो खिलाफ चल रहा है, ये आप देख रहे हो, ये तो सर्कस बन गया है पूरा। हाँ, हाँ, भगा के लेके गए, कैसे गए पता नहीं। उद्धव जी के मन में इस वक्त क्या चल रहा है? मुझे लगता है उनके मन में यही है कि लोगों की सेवा कैसे करते रहे। आज भी जो निकाल निर्णय उन्होंने, तो उनको भागने की जरूरत नहीं होती। दूसरी चीज, जो भगा के लेके गए हैं उनको मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि ये 15-16 लोग हमारे संपर्क में हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि जैसे मुंबई में उनका आना होगा साथ में लेंगे। पलटे कि जब वो मुंबई में आएंगे, बिल्कुल, क्योंकि यही बात है। हाँ। कि उनको सेना में रहना है, जो जैसे नहीं रहना है। हाँ। वो गट तो बना नहीं सकते, उनको एक तो डिस्क्वालीफाई होना है। हाँ। या फिर भाजपा में या कहीं जाना है। हाँ। तो उनकी बात हुई, लेकिन जो भी आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आदित्य ठाकरे ने बड़ी बात कही है यहाँ पर रेबल ग्रुप के लिए, बागी ग्रुप के लिए, और कहा है कि अगर बागी ग्रुप वापस आना चाहता है तो उनके लिए दरवाजे एकदम खुले हैं। ये कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। बड़ी बात है, आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि जो बागी विधायक लौटना चाहते हैं शिवसेना में, उनके लिए दरवाजे खुले हैं।